नमस्कार, आज हम शाही टुकड़ा बनाएंगे। शाही टुकड़ा बहुत ही आसानी और फटाफट बनने वाली ब्रेड की मिठाई है। इसे रबड़ी के साथ खाया जाता है। आज हम इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे और इसे हम स्टफ़ कर कर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए रबड़ी तैयार कर लेते हैं। हम आज इंस्टेंट रबड़ी बनाएंगे। इसके लिए हम 1 कप उबला हुआ दूध लेंगे और उसमें मिल्क पाउडर मिला के रबड़ी बनाएंगे। अगर आप कच्चा दूध ले रहे हैं तो पहले आप दूध को उबाल लें और उसके बाद ही मिल्क पाउडर मिलाएं। हम इसमें 1/3 कप मिल्क पाउडर डालेंगे और उसे दूध में अच्छे से घोल लेंगे ताकि कोई भी लम्प्स ना रहे। हमने अभी गैस का फ्लेम ऑफ ही रखा है। एक बारी जब मिल्क पाउडर अच्छे से घुल जाएगा उसके बाद हम इसे पकाना शुरू करेंगे। अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और मीडियम हीट में यानी मध्यम आंच में इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए पकाएंगे करीबन 10 से 12 मिनट तक। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि नॉनस्टिक पैन में ही बनाएं। इसके साइड कुरेचते हुए यानी निकालते हुए हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। ट्रेडिशनली रबड़ी को केवल दूध से बनाया जाता है। दूध को धीमी आंच में बहुत देर तक काढ़ा जाता है और तब रबड़ी तैयार होती है। लेकिन आपको कभी अचानक से रबड़ी खाने की इच्छा हो तो आप इस तरीके से मिल्क पाउडर मिलाकर उसे बना सकते हैं। अब हम इसमें चीनी डालेंगे, करीबन 1/2 टेबल स्पून। चीनी ऑप्शनल है क्योंकि दूध की अपनी मिठास होती है और मिल्क पाउडर भी मीठा होता है, तो अगर आप चाहे तो डालें, चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें 8 से 10 केसर के धागे डालेंगे और इसे मिला के करीबन 2 मिनट के लिए पका लेंगे। रबड़ी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। मैंने 3 काजू और 3 बादाम को बारीक काट कर ले लिया है, वो हम इसमें डालेंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे स्टफिंग के लिए। हमारी रबड़ी बिल्कुल तैयार है। हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए क्योंकि ठंडी होने के बाद ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और हम ब्रेड तैयार करते हैं। हमने 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, इसके एजेस काट लेंगे। जितना हो सके उतना फ्रेश ब्रेड लीजिए, उससे आसानी होगी, नहीं तो ब्रेड टूट सकता है स्टफ़ करते हुए। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 1 टेबलस्पून पनीर लिया है और जो बचा हुआ ड्राई फ्रूट्स था उसमें मिला लेंगे और इन्हें मिक्स कर देंगे। आपको अगर इलायची का टेस्ट पसंद है तो आप इस वक्त यहाँ पे इलायची भी डाल सकते हैं या कोई और ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद से डाल सकते हैं। अब हम शाही टुकड़ों को स्टफ़ करेंगे। तो हम एक ब्रेड का स्लाइस ले लेंगे, उसके ऊपर ये पनीर की फिलिंग को हम अच्छे से फैला देंगे। हमें साइड्स छोड़ देने हैं क्योंकि हमें ये सैंडविच टाइप्स तैयार करना है और हमें दूसरे ब्रेड को इसके ऊपर चिपकाना है। तो इसी तरीके से हम पूरी स्टफिंग स्प्रेड कर लेंगे और उसके बाद हम दूसरे ब्रेड को तैयार करेंगे। दूसरा ब्रेड का स्लाइस लेंगे, उसके एजेस में हम पानी लगा देंगे और इसे पिंच करते हुए सील कर देंगे। अगर आपका ब्रेड फ्रेश है तो ये प्रोसीजर बहुत आसानी से हो जाएगा। मेरा 2 दिन पहले का ब्रेड है इसलिए ब्रेड में क्रैक्स आ रहे हैं। ब्रेड अच्छे से सील होने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। हमें ब्रेड को देसी घी में ही फ्राई करना है, तो करीबन 1 टेबलस्पून देसी घी लेंगे और उसे हम पिघलने देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम में ही रहेगा और जैसे ही हमारा घी पिघल जाएगा हम उसमें ब्रेड रख देंगे। ब्रेड को हमें दोनों तरफ से अच्छे से टोस्ट करना है। तो ब्रेड जब एक तरफ से करीबन 1/2 मिनट टोस्ट हो जाए तो हम इसे पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ भी घी अच्छे से लग जाए। ये देखिए, आप शायद क्रैक्स देख पा रहे हैं इसमें, क्योंकि ये बहुत फ्रेश नहीं है ब्रेड, इस वजह से इसमें क्रैक्स आए हैं। तो बिल्कुल फ्रेश और बिना फ्रिज में रखा हुआ ब्रेड ही आप यूज़ करें। अब हम इसे पलट देंगे। ये एक तरफ से हल्का सा रोस्ट हो गया है, दूसरी तरफ भी पूरा घी लग जाए उसके बाद हम इसे दोबारा पलट के रोस्ट करेंगे। हमें इसे बिल्कुल अच्छे से डीप फ्राई करते हैं, जैसा कलर आता है वैसा कलर आना चाहिए। इस कलर में हमारा ब्रेड तैयार होना चाहिए। ब्रेड ने पूरा घी भी एब्जॉर्ब कर लिया और दोनों तरफ से अच्छे से रोस्ट हो गया। अब हम इसी पैन में शुगर सिरप यानी चाशनी बनाएंगे। उसके लिए हमने 1/4 कप चीनी और उतना ही यानी 1/4 कप पानी लिया है और इसको हम मध्यम आँच में उबाल के चाशनी बनाएंगे। हमें चाशनी में तार नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक गाढ़ी सी चाशनी चाहिए। जब ये चाशनी गाढ़ी होने लगे तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे 2 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसमें शाही टुकड़ा डालेंगे।
तो अब हम इसमें ये टोस्टेड ब्रेड डाल लेंगे और उसे करीबन आधे मिनट तक एक तरफ से एब्जॉर्ब होने देंगे और उसके बाद पलट देंगे। हम चम्मच की सहायता से साइड्स में चाशनी डाल देंगे और हमें ये ब्रेड को ज़्यादा देर चाशनी में नहीं रखना है, नहीं तो ये ब्रेड बहुत सौगी हो जाएगा। शाही टुकड़ा तैयार है, इसे हम चाशनी से निकाल लेंगे और अब हम इसे सर्व करेंगे। हम इसे काट लेंगे दो हिस्सों में। ये देखिए बहुत ही अच्छा बना है। इसको हम रबड़ी के साथ सर्व करेंगे। तो ये देखिए रबड़ी ठंडी हो गई है, तो इतनी गाढ़ी हो गई है। तो रबड़ी को हम एक प्लेट में पहले फैला लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर शाही टुकड़ा रखेंगे। थोड़ी सी रबड़ी हम इसके ऊपर भी डालेंगे। आप चाहे तो गार्निशिंग में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। शाही टुकड़ा बिल्कुल तैयार है। आप इसको बनाइए, खाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।